होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। मशहूर हिंदी फिल्म शोले का ये गाना होली पर भाईचारे का संदेश देता रहा है। ऐसा ही संदेश वॉशिंग डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल की ओर से देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी यह कोशिश उसके लिए उल्टी पड़ती दिख रही है। इस विज्ञापन में हिंदू बच्ची और मुस्लिम बच्चे को दिखाया जाने का सोशल मीडिया पर एक तबका विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने बॉयकॉट सर्फ एक्सेल के हैशटैग के साथ उसे ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। सर्फ एक्सेल ने रंग लाए संग कैंपेन के जरिए होली पर हिंदू मुस्लिम सद्भाव का संदेश देने का प्रयास किया था। करीब एक मिनट के इस एड में दिखाया गया है कि सफेद टी शर्ट पहने हिंदू लड़की पूरी गली में साइकिल लेकर घूमती है और सभी बच्चों के रंग अपने ऊपर डलवा कर खत्म करा खत्म। इसके बाद अपने मुस्लिम दोस्त के घर के बाहर जाकर कहती है कि रंग खत्म हो गए, फिर उसे साइकिल पर बैठा मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ती है। सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। आखिरी में उसके सीढ़ी चढ़ते वक्त वो कहती है बाद में रंग पड़ेगा। इस पर उसका मुस्लिम दोस्त धीमे से मुस्कुरा देता है। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मालिकाना हक वाले सर्फ एक्सेल ने इसके जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया था कि रंगों के जरिए समाज संग आ सकता है। इस विज्ञापन का अंत सर्फ एक्सेल की परंपरागत टैगलाइन दाग अच्छे हैं के साथ होता है। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। 27 फरवरी के रिलीज किए गए इस एड को यूट्यूब पर अब तक 70,37,800 व्यूज मिल चुके हैं। हालांकि ट्विटर पर कुछ लोग इसे हिंदू फोबिक और विवादित करार दे रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये आरोप भी लगाया है कि इस विज्ञापन में नमाज को होली से महत्वपूर्ण बताने की कोशिश की गई है। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सर्फ एक्सेल की धुलाई करने की बात कही। रामदेव ने ट्वीट किया, हम किसी भी मजहब का विरोध नहीं करते, लेकिन जो चल रहा है उस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। लगता है जिस विदेशी सर्फ से हम अपने कपड़ों की धुलाई करते हैं अब उसकी धुलाई के दिन आ गए हैं। दोस्तों, हर चीज़ को देखने का अपना एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नज़रिया सही ही हो। इस एड को बनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, होली के त्यौहार पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़े, देश में जो हालात हैं उसको काबू में लाया जा सके। लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। इस एड को देखकर अपने हिसाब से आप सोचिए और इसमें देखिए कि क्या इसको मजहबी रंग देना सही है। ये बहुत ही अच्छा ऐड बनाया गया है जिससे कि लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े। फिर भी अगर रामदेव की बात सुने, उन्हें अपने पतंजलि ब्रांड को आगे बढ़ाना है, उन्हें स्वदेशी की बात करनी है, लेकिन इसके लिए मजहबी रंग देना इसको सही नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि जो चीज़ जिस तरीके से दिखाई जा रही है आपको ज़रूरी नहीं है वो सही है। आप अपने तरीके से उसको समझिए। अगर आपको लगता है कि ये ऐड गलत है तो ही आप रिएक्ट करिए। पहले ऐड को देखिए, समझिए कि कितना अच्छा वो ऐड हो सकता है आपकी कम्युनिटी के लिए। इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू।